लखीमपुर खीरी में दबंगों की दबंगई तब देखने को मिली जब अलीगंज चौकी इंचार्ज शशि ने जमीनी विवाद को लेकर चौकी पर सुलह समझौता करने के लिए बुलाया था, मगर बात नहीं बनी। तब दबंग अरविंद मिश्रा, संदीप मिश्रा और अमित मिश्रा ने चौकी इंचार्ज के सामने मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस मुख दर्शक बनी, ये सारी घटना देखती रही। दबंगों ने हरिनंदन शुक्ला और उसके बेटे को जमकर पीटा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। इतना ही नहीं, दबंग अरविंद ने हद वहां पार कर दी कि जब कोतवाली में ही पिस्तल लेकर पहुंच गया और हरिनंदन को धमकाने लगा। इस बात की जानकारी जब कोतवाल AK सिंह को लगी तब पिस्तल को जमा करवा लिया। और ये भी बता दे कि अरविंद जो कि कुसमोरी गांव में रहता है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर जांच करने का आश्वासन दिया है। क्या मामला हुआ आपके साथ? हम कुछ ना सीता मैम को लवाई गए घर कहीं चौकी पर आओ, दरोगा जी बुलाई ने हम चौकी पर आए। अब अमित मिश्रा, संदीप मिश्रा और अरविंद मिश्रा मिलकर हमें मार रहे, लेके चौकी पर से उठाएगी डंडा खरूहना डंडा, दरोगा पकड़े रहा है, सीताराम सिपाही में पकड़े रहे हैं, पूरा स्टाफ पकड़े रहा है और कम से कम 100-200 आदमी हजूम रहे, इकट्ठा भी मारते रहे हैं। क्या वहाँ पे चौकी इंचार्ज मौजूद है? तो चौकी इंचार्ज खुद पकड़े रहा है, मिटवा रहे हैं उनका। आपको पकड़े हुए? हाँ, वही लोग जो लोग थे, जो लोग थे वो किस पार्टी से संबंधित थे? वही भाजपा के संबंधित है। आप सुन के क्या दुश्मनी थी? हमारी दुश्मनी कोई दाम ना है, इलेक्शन बाजी में आज जो राय चल रहा है। आप किस पार्टी से मदद कर? हम सपा के थे आदमी, हम वोट सपा के यहाँ दिया ना, सपा के लोग थे, उन्होंने घर पे आया मार टूट दिया, जमीन थी तो जमीन का विवाद था, उसी लेकर के विवाद स्टार्ट कर दिया था। भाई चैन वगैरह छीन ले गए, छोटे भाई चैन ले गए, छीन लूटपाट की डंडे वगैरह थे, उससे मारपीट वगैरह किया, तब तक पुलिस पहुंच गई मदद के लिए। और मैं अकेले हैं, एक दो लोग हैं, और उनका ग्रुप थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा लोग हैं। आपका तो मुझे पता है सर। जी जी सर। तो क्या आर्मी में है? जी सर। हमने सुना है कि कोतवाली में कुछ मारपीट हुई आपके साथ? मारने जा रहे थे तो कोतवाल साहब ने रोक लिया, बचा लिया हमें। अच्छा, वहाँ अलीगंज चौकी में भी कोई बातचीत हुई थी? हाँ, चौकी में भी इन्होंने हाथ उठाया था हमारे ऊपर, तो चोट थोड़ी सी लग गई थी, ज्यादा लोग थे मारने चक्कर में। हमारे सर्किल में एक गांव पड़ता है कुसमौरी, तो वहाँ रामबेटी नाम की जो है हरजन महिला रहती है, तो पिछले 2 वर्ष पहले उसे जो है 2 बीघा पट्टा मिला था। तो 2 बीघा पट्टा पर इनका ये कहना है, संदीप मिश्रा का, कि ये 2 बीघा जो हम हाई कोर्ट से जीत गए हैं, वो सीलिंग में जो है जमीन चली गई थी, उसमें 2 बीघा में हमें पर जो हमने उसका बैनामा करा लिया, ये भूमि मेरी है, उसी भूमि पर गेहूँ खड़ा हुआ था। तो चूंकि राम बेटी ने कहा कि हमने इसमें गेहूँ बोया इसलिए हम काटेंगे, इनका ये कहना था कि चूंकि मेरा खेत है और मेरा इसे जो है बैनामा जो है बाकायदा हुआ है तो गेहूँ हम काटेंगे। इसी बीच को इसी को उसको निपटाने के लिए चौकी अलीगंज पर चौकी इंचार्ज शशि है जो वहाँ पर, उसने बुलाया। बुलाने के बाद दोनों पक्ष चौकी पर बैठे हुए थे, तो हरिनंदन जो है महिला की तरफ से, जो हरजन महिला थी उसकी तरफ से हरिनंदन शुक्ला पहुँच गए वहाँ पर, और संदीप मिश्रा आ गए। संदीप मिश्रा के जो है सुमित भी आ गया, अरविंद भी आ गया, तीनों भाई आ गए। आने के बाद में इन्हीं में विवाद हो गया, और सबसे पहले हाथ जो छोड़ा वो संदीप मिश्रा ने छोड़ा। संदीप मिश्रा ने हरिनंदन के सिर में कुछ लाठी वगैरह मार दी, उसके जो है चोट गंभीर आई, सिर में चोट आई है, उसके बेटे की भी चोट आई हुई है। तत्पश्चात ये दोनों लोग वहाँ चौकी से, हम तत्काल सूचना मिली, पूरे फोर्स के साथ हम लोग वहाँ पहुंचे जा करके, ये दोनों पक्षों ने रिपोर्ट लिखाने आए। अच्छा, संदीप मिश्रा की ये देखिए कि थाने में भी अपना जो उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर है उसको लेकर के यहाँ पर आया, और उसका लाइसेंसी रिवाल्वर यहाँ उसका जमा करवा लिया गया यहाँ पर, और दोनों पक्षों के खिलाफ जो है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जो है क्रॉस रिपोर्ट लिखाई है थाने पर, उसकी विवेचना हो रही है, तत्काल फौरन इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी।